नमस्कार। आज हम बात करेंगे गैस्ट्राइटिस के विषय में। इस गैस्ट्राइटिस के वीडियो में हम अंत तक कवर करेंगे गैस्ट्राइटिस क्या होती है, गैस्ट्राइटिस होने के कारण क्या क्या होते हैं, गैस्ट्राइटिस के सिम्टम्स क्या क्या हैं, गैस्ट्राइटिस होती है तो ये हमारे शरीर में किस तरीके से नुकसान पहुंचा रही होती है, गैस्ट्राइटिस के टाइप्स कितने हैं, गैस्ट्राइटिस में क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस जो होती है उसको किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस के कारण क्या क्या होते हैं, गैस्ट्राइटिस की डाइट क्या है, और गैस्ट्राइटिस में जो एकदम से दर्द होना चालू हो जाए तो उस दर्द को मैनेज करने के लिए हमको तुरंत क्या करना चाहिए। इस वीडियो में हम अंत तक ये सारी चीजें समझेंगे और हम ये जानेंगे कि गैस्ट्राइटिस के विषय में पूरी जानकारी रखना हमारे लिए आजकल के परिवेश में आवश्यक क्यों है। वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहले हम देखेंगे गैस्ट्राइटिस है क्या। तो गैस्ट्राइटिस क्या है हम देखें, गैस्टर पर आइटिस, गैस्टर का मतलब होता है आमाशय। आमाशय जो है ये खाने की थैली है, पाचन तंत्र में एक जो अंग होता है इसको आमाशय बोला जाता है। आमाशय को इंग्लिश में स्टमक बोलते हैं और लैटिन में इसको गैस्टर बोला जाता है, गैस्टर। तो गैस्टर पर आइटिस जब हो जाए, गैस्टर पर इंफ्लेमेशन जब हो जाए, तब फिर पूरा नाम हो जाता है गैस्ट्राइटिस। ये गैस्ट्राइटिस कितने टाइप की होती है, दूसरा जो हम टाइप्स देखेंगे इसके, तो गैस्ट्राइटिस बेसिकली दो टाइप की होती है, एक्यूट गैस्ट्राइटिस और दूसरा है क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस। एक्यूट गैस्ट्राइटिस मतलब कि अभी इंस्टेंट हो गई किसी भी वजह से, जैसे किसी फूड का रिएक्शन हो गया फूड पॉइजनिंग की वजह से, या फिर कोई ड्रग का रिएक्शन हो गया किसी दवाई की रिएक्शन की वजह से, या फिर अल्कोहल और स्मोकिंग की वजह से एक्यूट कंडीशन है, तुरंत अभी अभी आमाशय में सूजन लालामी आई हुई है। जब इसका रिपीटेशन हो जाए या फिर एक्यूट गैस्ट्राइटिस को अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए लंबे समय के लिए, तब फिर ये क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस में बदल जाती है। गैस्ट्राइटिस के कारणों में जो कॉजेज कारण गैस्ट्राइटिस के होते हैं, उसमें सबसे पहला जो कारण होता है वो होता है अल्कोहल या स्मोकिंग, बहुत ज्यादा मात्रा में अल्कोहल का उपयोग, या फिर बहुत ज्यादा मात्रा में स्मोकिंग की जा रही है, या फिर बहुत लंबे समय तक कोई तनाव बना रहे, तनाव भी गैस्ट्राइटिस का एक बड़ा कारण माना जाता है। इसके अलावा यूज ऑफ एनएसएड्स, जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी दवाइयां होती हैं, वो जब बहुत लंबे समय तक, जैसे पेन किलर्स वगैरह जो होती हैं, वो जब लंबे समय तक ली जाती हैं, तो उसकी वजह से भी गैस्ट्राइटिस हो जाता है। और एक कारण होता है गैस्ट्राइटिस का इंफेक्शन, जिसमें सामान्य तौर पर एच पायलोरी इंफेक्शन सबसे ज्यादा कॉमन कॉज ऑफ क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस माना जाता है। तो ये हो जाते हैं कारण। अब हम देखेंगे गैस्ट्राइटिस के सिम्टम्स क्या क्या हैं, लक्षण गैस्ट्राइटिस क्या क्या देती है। तो गैस्ट्राइटिस में सामान्य तौर पर पेट फूला रहेगा, पेट में अफारा रहेगा, खाना खाने में ऐसा लगेगा जैसे नौजिया जैसा लग रहा है, खाने का मन नहीं कर रहा है, वॉमिटिंग टेंडेंसी आना चालू हो जाती है, कभी कभी यहां पर भारीपन लगना चालू हो जाता है, पेट में फुलावट रहेगी, खाना पच नहीं रहा है, तो कभी कभी कमजोरी का आभास भी गैस्ट्राइटिस में आना चालू हो जाता है। लंबे समय तक जब यह बनी रहती है तो पेट में दर्द भी रहता है, आपके पेट में अफारा भी रहेगा, पेट फूला हुआ रहेगा, गैस बहुत ज्यादा बनना चालू हो जाती है, कभी कभी खाना ऊपर की तरफ आना चालू होता है तो एसिड रिफ्लक्स होना भी चालू हो जाता है, फिर आंतों में जब ये खराब खाना पहुंचता है तो पेट पूरा का पूरा ही नाभि के आसपास भारी रहना चालू हो जाएगा,
नाभि में सूजन आना चालू हो जाती है, नाभि के आसपास आंतों में सूजन आना चालू हो जाती है, और फिर देखने में आता है कि पेट एक बार में साफ भी नहीं हो रहा है, मल के साथ चिकनाइयां भी धीरे धीरे करके आना चालू हो जाती हैं। ये सारे गैस्ट्राइटिस के लक्षण होते हैं। अब हम देखेंगे गैस्ट्राइटिस के लक्षणों के बाद गैस्ट्राइटिस का ट्रीटमेंट हम कैसे कर सकते हैं। तो गैस्ट्राइटिस के ट्रीटमेंट के लिए तीन प्रकार से हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सबसे पहला ट्रीटमेंट का पार्ट है हम रेगुलर डाइट थेरेपी का यूज करें। डाइट थेरेपी में चूंकि गैस्ट्राइटिस हुई है, तो गैस्ट्राइटिस है इसका मतलब आमाशय में सूजन आ गई है, सूजन आ गई है तो ऐसा खाना जो बहुत आसानी से पच जाता है, जो बहुत आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है, वो खाना हमको खाना चाहिए। अब उस खाने में ये देखना है कि एंटी इंफ्लेमेटरी साइन जो आ रहे हैं वो एंटी इंफ्लेमेटरी साइन धीरे धीरे करके खत्म होना चालू हो जाए। जो आमाशय में सूजन आ रही है, आमाशय में अंदर की तरफ लालामी है, गर्मी बढ़ी हुई है, ऐसी स्थिति जो है ऐसा खाना खाया जाए कि इन सारी की सारी स्थितियों में आपको आराम मिलना चालू हो जाए। तो आप सवेरे सवेरे जागते ही ज्यादा मात्रा में पानी पी सकते हैं, खूब सारा पानी पीकर थोड़ी देर रुके, उसके बाद फिर मोशन जाना है, मोशन जाके हाथ मुंह धोकर के मंजन करके उसके बाद फिर थोड़ी देर के लिए ऑयल पुलिंग कर ली जाए। एक चम्मच सरसों का तेल मुंह में भरा और अच्छे तरीके से उसको मुंह में चलाया, कुल्ला किया उससे, और उसके बाद फिर उसको थूक दिया, फिर सादे पानी से कुल्ले गरारे कर लिए, उसके बाद नाक में गाय का घी डाला। ये जो है ये मॉर्निंग रूटीन है। इसके बाद में फिर सबसे पहले आमाशय को ठंडा करने के लिए या तो हम आंवला और मिश्री का उपयोग कर लें। तो आंवला एंटी इंफ्लेमेटरी भी होता है, आंवला एंटी ऑक्सीडेशन का गुण भी रखेगा, तो वो इंफ्लेमेशन को कम कराने का काम करेगा, और मिश्री जो है वो सवेरे सवेरे ही आपके शरीर को ऊर्जा देने का काम करेगी, प्लस एंटासिड भी होती है, एसिडिटी को कम करने का काम करेगी। और अगर एसिडिटी कम रहेगी तो धीरे 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 करके जो इरोजन्स भी आ जाते हैं कभी कभी गैस्ट्राइटिस के केस में, जिसको इरोजिव गैस्ट्राइटिस बोला जाता है, वो भी धीरे धीरे करके इरोजन ठीक होना चालू हो जाते हैं। तो आंवला मिश्री ले लिया, आंवला मिश्री लेने के बाद फिर व्यायाम कर लिया। व्यायाम में हम देखेंगे व्यायाम में क्या क्या करेंगे आगे चल के। तो व्यायाम करने के बाद जब फ्री होंगे तब फिर हम सौंफ और मिश्री ले लें। एक चम्मच सौंफ रात को एक गिलास पानी में भिगो के रखेंगे, सवेरे सवेरे उसमें लगभग आधे से एक चम्मच मिश्री का पाउडर मिला करके घोल करके अच्छे तरीके से चर्न करके मिक्सी में फिर पी लेंगे। तो ये भी सौंफ जो है एंटासिड होती है, मिश्री एनर्जी यील्डर होती है, प्लस ठंडक पहुंचाने के काम में भी मिश्री आएगी। इसके बाद जो नाश्ता रहेगा, हम नाश्ते को सही समय पर कर लें, पेट को लंबे समय तक खाली नहीं छोड़ेंगे, तो नाश्ते को सही समय पर करेंगे, जिसमें वेजिटेबल दलिया, वेजिटेबल खिचड़ी, या फिर हम सप्ताह में एक या दो दिन अच्छी मात्रा में फलों का उपयोग भी नाश्ते में कर सकते हैं, जिसको अल्पाहार बोला जाएगा। उसके बाद लंच में बहुत मोटे आटे की रोटी और सब्जी की क्वांटिटी ज्यादा, जिसमें मिर्च मसाले कम से कम रहेंगे, जिसमें आप सब्जियों में लौकी, तोरई, टिंडा, परवल, कद्दू, ये सब्जियां अच्छी मात्रा में बनाएं, और तेल या तो सरसों का या फिर गाय के घी का उपयोग करें सब्जी में छौंक लगाने के लिए, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। साथ में आप एक कप छाछ का उपयोग कर सकते हैं लंच के साथ। उसके बाद लंच और डिनर के बीच में आप या तो एक चम्मच जो बिल्वादी चूर्ण आता है उसको एक गिलास पानी में घोल करके बिल्व का शरबत ले लेंगे, बेल का शरबत जिसको बोला जाता है, या फिर आप इसकी जगह पर नारियल का पानी ले सकते हैं, और या फिर सौंफ का पानी भी दोबारा इस जगह पर लिया जा सकता है। इसके बाद शाम का खाना, शाम के खाने को आप 7 बजे के पहले पहले खा लेंगे, जिसमें सप्ताह में 3 दिन रोटी सब्जी खा लें, सप्ताह में 3 दिन दलिया या खिचड़ी खा लें, सब्जी वाला वेजिटेबल दलिया या वेजिटेबल खिचड़ी, और 1 दिन कोशिश करें शाम को केवल फल और सब्जियों का उपयोग कर लिया जाए। इससे आपके पाचन तंत्र को आराम भी मिलता रहेगा, और रात को सोने के लगभग 1 से 1.5 घंटे पहले आप फिर से सौंफ और मिश्री का पानी पी लेंगे।
यह बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ में पानी का उपयोग आपको ज्यादा से ज्यादा करना है, खूब सारा पानी पीना है पूरे दिन में। लगभग कोशिश करके कहा जाता है कि ड्रिंक मोर वाटर एंड ईट मोर स्लोली। जब यह कहा जाता है ना कि ड्रिंक मोर वाटर, मतलब पानी आप ज्यादा पिए और ईट मोर स्लोली। ईट मोर स्लोली का मतलब है कि जितना धीमे आप खा रहे हैं उससे भी ज्यादा धीमा खाना चालू कर दें, खाने को पिए और पानी को खाएं। ये जो फॉलोअप है ये आपका डाइट का फॉलोअप हो जाएगा। इसके बाद फिर व्यायाम की बात आती है, तो हमने जहां बात छोड़ी थी कि आप जब सवेरे सौंफ मिश्री लेने के पहले और आंवला मिश्री लेने के बाद जो व्यायाम कर रहे थे, आंवला मिश्री ले लिया उसके बाद व्यायाम करना है, व्यायाम के बाद सौंफ मिश्री लेना है, तो वो व्यायाम कौन सा है? व्यायाम में आप लगातार टहलें, लगभग 40 से 50 मिनट में लगभग 4 से 5 किलोमीटर, इतना जो आप टहलेंगे, कोशिश करेंगे मुंह में पानी भर करके टहला जाएगा। मुंह में पानी रहेगा तो आप बोल भी नहीं सकते हैं और आप मुंह से श्वास भी नहीं भर सकते हैं। इसके बाद जब टहल करके फ्री हो जाएंगे तो अनुलोम विलोम प्राणायाम बेशक 5 मिनट के लिए कर लिया जाए, और अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के बाद डीप ब्रीदिंग, दोनों हाथ ऊपर ले जाते हुए श्वास को भरा और धीरे धीरे दोनों हाथ नीचे लाते हुए श्वास को छोड़ा। इसको आप 50 बार से शुरू करिए और रोज 10 बार बढ़ा दीजिए, बहुत अच्छा आराम मिलना इससे चालू हो जाएगा। स्ट्रेस का लेवल ज्यादा रहता है कभी कभी तो थोड़ा भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास कर लेंगे और ओमकार का उच्चारण 3 से 7 बार कर लेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद धीरे से सीधे लेट करके शवासन करके अपने जो व्यायाम का सेशन है उसको पूरा कर लिया जाएगा। ये सवेरे का व्यायाम हो जाता है। शाम के व्यायाम में भोजन के पहले लगभग 20 से 30 मिनट का वॉक का टाइम आप रख लीजिए और भोजन के बाद लगभग 5 से 10 मिनट का टाइम आप टहलने का रख सकते हैं, ये काफी इफेक्टिव रहेगा। ये हो जाएगा व्यायाम का। अब प्राकृतिक चिकित्सा में बहुत अच्छी दो प्राकृतिक चिकित्साएं होती हैं गैस्ट्राइटिस के लिए। पहला तो है आप पेट पर मिट्टी की पट्टी का उपयोग करें, पेट पर मिट्टी की पट्टी, अगर मिट्टी की पट्टी नहीं हो पाती है तो ठंडे पानी का गीला कपड़ा आप पेट पर नाभि के पूरे चारों तरफ अच्छे तरीके से रख सकते हैं, यह बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट माना जाता है। इसके अलावा एक ट्रीटमेंट होता है ठंडे पानी में कटी स्नान, तो ठंडे पानी को एक टब में भर करके उसमें पूरा अपने को बैठना है, तो कटी स्नान बाय डॉक्टर रमाकांत शर्मा पूरा वीडियो है, आप उसको देखेंगे, उस वीडियो को मैं देख करके आप समझेंगे कि टब कैसा होता है, पानी कैसे भरना है, बैठना कैसे है और पानी ठंडा उसमें रखना है, यह ध्यान रखा जाएगा। तो टब अगर मान लो कटी स्नान का टब नहीं है तो गोल टब जो प्लास्टिक के आते हैं, अगर आपका वजन ज्यादा नहीं है तो आप उस टब का उपयोग भी ठंडे कटी स्नान के लिए घरों में कर सकते हैं, बहुत उपयोगी माना जाएगा। अगर आपका पेट बहुत ज्यादा भारी हो जाता है, कभी आपको लगता है कि पेट एकदम से फूल गया है, गैस बन रही है और दर्द हो गया है, ऐसे केस में आपको विशेष ध्यान रखना होगा कि आप ठंडे पानी का गीला कपड़ा अच्छे तरीके से पेट पर मोपिंग करें उसकी, उससे बहुत अच्छा आराम आपको मिलेगा। दूसरा, गैस्ट्राइटिस में जब बहुत ज्यादा दर्द होना चालू हो जाता है, पेट फूलना चालू हो जाता है, उसका कारण होता है मोर सिक्रेशन ऑफ एसिड्स, हायर सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड्स। तो गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रेशन को कम करने का बहुत सुलभ तरीका होता है, बर्फ के ठंडे पानी में एक कपड़े को गीला करके आप आमाशय वाले हिस्से पर बाईं तरफ पेट के ऊपर वाले हिस्से पर, नाभि से ऊपर की तरफ बाईं तरफ आप ठंडे पानी का, बर्फ के पानी में भीगा हुआ गीला कपड़ा 15 से 20 मिनट के लिए रख दीजिए, आपको गैस्ट्राइटिस के दर्द में इंस्टेंट आराम मिलना चालू हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है दर्द यहां हो रहा है, गर्दन और सिर में दर्द आ रहा है, तो आप यहां पर गीला कपड़ा ठंडे पानी का रखने के साथ साथ माथे पर और सिर पर भी ठंडे पानी का गीला कपड़ा रखेंगे, उससे तुरंत आपको आराम मिलना चालू हो जाएगा। साथ में इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि ये जो यहां गैस बनकर के गर्मी जो आमाशय में हो जाती है, ऐसे समय में आप ज्यादा से ज्यादा लिक्विड का यूज करना चालू कर देंगे, वो आपके एकदम से ट्रिगरिंग जो गैस्ट्राइटिस है उसको ठीक करने का
काम करेगा। तो ये पूरी जो गैस्ट्राइटिस का मैनेजमेंट था इसको हमने अच्छे तरीके से समझा। गैस्ट्राइटिस में एक्यूट गैस्ट्राइटिस है, क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस है, उसको किस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं, ट्रीटमेंट अगर आपको करना है तो आपको डाइट थेरेपी, साथ में एक्सरसाइजेस थेरेपी जिसको व्यायाम कहा जाता है, और प्लस प्राकृतिक चिकित्सा का उपयोग करते हुए आप इसको अच्छे तरीके से पूरे तरीके से ठीक कर सकते हैं। कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा चबाकर खाना खाया जाए, पानी धीरे धीरे करके लेकिन ज्यादा मात्रा में पिया जाए, सवेरे जल्दी जाग जाया जाए, रात को जल्दी सो जाया जाए, शाम का खाना जल्दी खा लिया जाए, और शाम का खाना या दोपहर का खाना जल्दी में कभी नहीं खाना है। शाम के खाने को जल्दी खाइए लेकिन खाएंगे बहुत धीरे धीरे करके, आप तसल्ली से आराम से खाने को खाएंगे, बिना बात किए हुए खाने को बहुत चबा के अगर खाएंगे तो धीरे धीरे करके ये गैस्ट्राइटिस की समस्या जो है बिल्कुल ठीक होना चालू हो जाएगी। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।